राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा आज हिसार में थे और इस बीच उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए गांव आदमपुर, सदलपुर और आदमपुर मंडी में कार्यक्रम में शिरकत किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इस बीच कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस रिपोर्ट को देखिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा आज आदमपुर एरिया के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आए। उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए गांव आदमपुर, सदलपुर और आदमपुर मंडी में कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए संबोधित किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सबसे पहला कार्यक्रम गांव सदलपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में हुआ। यहाँ पहुँचने पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में HAU के VC डॉक्टर BR कंबोज भी मौजूद थे। इस दौरान सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के कृषि क्रांति कार्यक्रम का भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आगाज किया। कार्यक्रम में 1000 किसानों को अभियान के साथ जोड़ा गया जो जैविक खेती की दिशा में काम करेंगे। कृषि क्रांति हो या युवाओं का संपूर्ण पूरी तरह से उनका आगे बढ़ने का, पोषण का, खेलकूद का, पढ़ाई का सबका ख्याल हो, चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, ये सब चीजें मिलके ही गांव में स्वराज आ सकता है। इस बीच स्पोर्ट्स के क्षेत्र के साथ साथ समाज सेवा और अन्य गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों और ग्रामीणों को सम्मानित भी किया गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि महिलाओं का, कृषि का, युवाओं का उत्थान ही ग्रामीण स्वराज ला सकता है। उन्होंने कहा कि किसान की आमदनी ज्यादा होगी तो वो अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकेगा। आप अपनी मर्जी के मालिक तभी बनेंगे जब स्वराज होगा, मसलन खुद का राज। इसी उद्देश्य से 5 गाँव गोद लिए गए हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने मंच से कहा कि उन्होंने वोट के लिए नहीं बल्कि वास्तविक विकास के लिए काम करवाए हैं। उन्होंने किसानों से जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया। कुछ ना कुछ तो फायदा करेगा, अगले और चुनाव लड़ेगा, कुछ करेगा, वोट मांगेगा। तो अब तो मेरे ख्याल से वो प्रश्न पता नहीं आपके अभी भी हैं कि खत्म हुए कौनी। अच्छा चलो ठीक है। तो आज थे पहली बारी मैंने एक सर्टिफिकेट दे दियो कि बिना मर्जी, बिना कोई लालच के काम करे। कार्यक्रम में मौजूद HAU के VC डॉक्टर BR कंबोज ने भी राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा द्वारा करवाए जा रहे काम काजों की तारीफ की। उन्होंने भी कृषि क्षेत्र में सुधार और नई तकनीक अपनाने का किसानों से आह्वान किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 150 एकड़ जमीन में जैविक खेती का प्रयास शुरू किया गया है ताकि हम अपने किसानों को पंजीकरण से लेके उसकी बिक्री तक जितनी भी बातें हैं उनका ज्ञान दे सके। इस कार्यक्रम के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सदलपुर गांव में धर्मशाला की नींव भी रखी। यहां भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सामाजिक दृष्टि से मजबूत बनाने का आह्वान किया। वहीं डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आदमपुर की व्यापार मंडल की धर्मशाला में पोषण अभियान कार्यक्रम में शिरकत करते हुए महिलाओं को संबोधित किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आदमपुर गांव की नंदीशाला गौशाला में पहुंचकर वहां भी कार्यक्रम में शिरकत की। गौशाला में शेड बनाया जाना है, डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इसकी नींव रखी है। जो पशु रहता है, क्या भावना उसमें उतनी रहती है, उसका भी ध्यान रखें। ये भी एक प्रकार से अच्छी प्रार्थना ही है, भगवान की कृपा प्रार्थना ही है। इसमें आप सब लोग तन मन धन से जुड़े हो, पूरा जुड़ा है, उसके लिए भी आप सबका बहुत बधाई, बहुत आभार। इसके अलावा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा आज अग्रोहा धाम भी पहुंचे। धाम में कल वार्षिक सम्मेलन होना है, ऐसे में धाम की पदाधिकारियों से अग्रोहा विकास ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर सुभाष चंद्रा तमाम पहलुओं पर बातचीत की। वहीं उन्होंने कुल देवी माता लक्ष्मी की आराधना कर समाज की समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की। हिसार से रोहित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।